ये लो भाई, जैसा कि आप सबको पता ही है कि सुंबुल तौकीर पहुंची हैं शाहजहांपुर, अपनी नानी के घर, अपनी दादी के घर, और वहाँ पे सुंबुल को लोग बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं। जितने भी लोगों को पता चल रहा है कि वो शाहजहांपुर पहुँची हैं, तो वो उनसे मिलने आ रहे हैं, और लोग बहुत सारे रिपोर्टर्स भी पहुँचे हैं, और सुंबुल ने एक इंटरव्यू भी दिया है जहाँ पे सुंबुल ने अपनी लाइफ के बारे में बताया है। जब उनसे ये पूछा गया कि आपने शुरुआत कैसे करी, कैसे आप टीवी इंडस्ट्री में पहुँच गई, सुंबुल ने कहा कि देखो, एक्टिंग करना तो कभी भी मेरा कोई सपना ही नहीं था एक्टिंग का। मुझे था कि मुझे डांस करना है और डांस करके मुझे अपनी एक एकेडमी खोलनी है, लेकिन पापा ने कहा कि नहीं, करते हैं तो कुछ बड़ा करते हैं, और पापा की ही वजह से मैं आज एक्टिंग की दुनिया में घुसी हूँ और वहाँ पे हूँ। क्योंकि पापा ने मेरे को जब स्टार्टिंग में एक्टिंग कराई, तो एक दो साल मुझे लगा एक्टिंग करने में, थोड़ा बहुत कुछ सीखने को मिला, लेकिन उसके बाद अब भी मुझसे अगर कोई कह दे कि तुम एक्टिंग छोड़ दो, तो भाई अभी तो ये इम्पॉसिबल हो चुका है। तो अभी मैं बिल्कुल भी एक्टिंग नहीं छोड़ सकती, और अब तो मुझे प्यार हो चुका है एक्टिंग से। तो इस तरीके से ये जो जर्नी है शुरू हुई थी, लेकिन अभी बहुत मज़ा आता है मुझे एक्टिंग करके। तो सुंबुल तौकीर पूरा एंजॉय कर रही हैं, वहाँ के लोगों, वहाँ के फैंस, वहाँ के अपनों से मिल रही हैं। अच्छा, मुझे किसी ने कमेंट भी किया है कि मैं वहीं आसपास की ही हूँ शाहजहांपुर की, कि मुझे पहले पता होता तो मैं मिल लेती। तो शायद सुंबुल अभी शाहजहांपुर में ही हैं, अगर आप मिलना चाहती हैं तो आप जा सकती हैं। आप थोड़ा सा पता लगाइए कि सुंबुल कहाँ पे हैं और कैसे, तो आप जाके मिल सकती हैं ज़रूर, क्योंकि सुंबुल हैं वहाँ पे अभी। चलिए, और वहीं फमान खान मेघवीर, जो कि आप लोगों को काफ़ी पसंद आते हैं, उनके 50 एपिसोड्स पूरे हो चुके हैं इस इश्क के का रब रखा, इसके 50 एपिसोड्स पूरे हो चुके हैं। तो बधाई हो फमान आपको कि आपने एक नए शो के 50 एपिसोड्स पूरे कर लिए, और हम उम्मीद करते हैं कि ये एपिसोड्स ऐसे ही 50 से 100 होंगे, 200 होंगे, 500, 1000, और बहुत अच्छी जर्नी हो आपकी। बाकी आपके फैंस आपके साथ हैं ही। तो चलिए, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। बाकी आप अपनी राय कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा।